मध्य प्रदेश के पबई में पानी का टैंकर चोरी होने का मामला सामने आया है। पबई पुलिस ने पानी के टैंकर बरामद कर लिए हैं। दरअसल ग्राम पंचायत सुनबारी में जल प्रदाय के लिए पानी के टैंकर आए थे, जो 7 जनवरी को बराहों के मल्लू लोधी के घर के सामने पानी देने के लिए खड़े हुए थे। इसी के बीच अज्ञात चोरों ने पानी के टैंकर को चुरा ले गए। पुलिस अधीक्षक के मार्ग निर्देशन में पुलिस ने आरोपी समेत टैंकर बरामद किए हैं। 23 का है, जिसमें सलेहा थाने से एक ट्रैक्टर चोरी गया था। इस ट्रैक्टर चोरी में जो सूचना तंत्र है उसके माध्यम से और साइबर के माध्यम से जब जांच की गई तो पता चला कि 5 लोग हैं जो इस तरह की का काम करते हैं। इसमें से अभी 3 लोग गिरफ्तार हैं और इनका रोल ऐसा होता था कि 2 व्यक्ति रेकी करते थे, 1 व्यक्ति बेचने का काम करता था और 3 या 4 लोग जो हैं वो आकर ट्रैक्टर को चुरा ले जाते थे। इन दोनों ही घटनाओं में जो है साइबर और जो लोकल थाना पुलिस है, थाना प्रभारी सलेहा और थाना प्रभारी शाहनगर और साइबर प्रभारी अनिल और उनकी तीनों की टीमों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें इसी के साथ एक और आज अभी खुलासा हो रहा है, ये पवई की घटना है जिसमें एक इसी तरीके से पानी का टैंकर और ट्रैक्टर की चोरी का मामला था, जिसमें अभी आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया है और ट्रैक्टर और जो टैंकर है वो भी वापस लाया गया है।